नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम हैं म्याऊ टाउन पे, जहाँ हर साल हमें स्कैर्सिटी ऑफ वाटर सुनने को मिलता है और खुद भी हम एक्सपीरियंस हमने किया है काफ़ी बार। यहाँ जब भी आते हैं यहाँ पे वाटर का काफ़ी स्कैर्सिटी रहता है, जिसके चलते हमें खबर भी मिली थी कि यहाँ पे कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा रहा है। तो हम अभी इस वक्त आए हुए थे यहाँ साइट पर, तो हमें खबर मिली है कि यहाँ के जो लोकल MLA कामलुंग मोसांग, वो भी ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लान है उसे इंस्पेक्ट करने, वर्क का जो अपडेट किया है उसको लेकर इंस्पेक्शन में आए हुए हैं। तो चलिए सीधे सर से मिलते हैं और अपडेट जानते हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि अगर हम बात करें म्याऊ टाउन की, तो मोर देन 5000 अबव यहाँ का पॉपुलेशन है। तो चलिए सीधे सर से जानते हैं ये जो ट्रीटमेंट के बारे में टोटल डिटेल। चलिए सर, हर साल म्याऊ टाउन में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर काफ़ी रहता है, इस साल भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खबर मिली थी कि कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लान बन रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर दीजिए, क्या क्या है, कितना कॉस्टिंग रहेगा, कितना लीटर्स का बनेगा सर। म्याऊ में वाटर का क्राइसिस है बहुत ज़्यादा ही, तो ये जो प्रोजेक्ट जो है ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई फॉर म्याऊ टाउनशिप नेचिस का वो प्रोजेक्ट है। इसमें टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 28 करोड़, और वो अवार्ड हुआ था 2020 अगस्त में, और इसका कंप्लीशन टारगेट था 20 मंथ्स का, मतलब वर्क पीरियड था 20 मंथ्स का। तो 20 मंथ्स के हिसाब से अगर हम सोचेगा, स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ कंप्लीशन इज जून ऑफ दिस 22। तो अभी जैसे काम चल रहा है इसके हिसाब से फ्यू मंथ्स पीछे चल रहा है। तो अभी मैंने यहाँ का जो इंचार्ज है, मतलब कंट्रेक्टर का आदमी है, डिपार्टमेंट के इंजीनियर तो नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू डेम कि इट विल टेक अ फ्यू मोर मंथ्स टाइम। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लान है, सारा स्टोरेज है, इसका कंप्लीशन एटलीस्ट 2 to 3 months लगेगा जी। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेगा तो हम फ्यू मंथ्स पीछे सर चलेगा, बट देन दिस 22 में कंप्लीट हो जाएगा, और इसका कैपेसिटी है 10 लाख लीटर्स का। 11 का सेंसस के मुताबिक जो टाउनशिप का टोटल सेंसस जो पॉपुलेशन था अराउंड 5000 प्लस था, तो एज ऑफ नाउ तो अभी बात करें तो काफ़ी बढ़ चुका होगा, तो उसके लिए जो 10 लाख जो आप बता रहे हैं टोटल कैपेसिटी, वो मैम लाइक सेटिस्फाई रहेगा, मतलब जुड़ेगा यहाँ के लोग? हाँ, जुड़ जाएगा, क्योंकि बिसाइज दिस मेन सोर्स हमारा पास में यहाँ में छोटा छोटा सोर्सेज भी है अभी जो हम डेवलप कर रहे हैं। 2 जगह में तो ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कॉलोनी में देने के लिए हम वो भी कर रहे हैं साइड बाई साइड जी। जब सर जब तक ये बनता है, तो अभी एट प्रेजेंट का भी बात करें तो अभी भी काफ़ी स्कैर्सिटी है पानी का टाउन में, तो एज अ लोकल ML आपकी तरफ से किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि हमने भी देखा था काफ़ी लोग गैलन बुकर, बकेट बुकर पानी नदी जाकर उठा रहे, तो किस तरीके से देखा जा रहा है लोगों को? हाँ, यहाँ में म्याऊ टाउनशिप में RWD एंड फॉरेस्ट कॉलोनी का अपना सोर्सेस है, थोड़ा मैनेज कर पाता है, बट देन अदर्स जो कॉलोनीज है उसमें टोटली वाटर का बहुत ही क्राइसिस है, जिसको देखते हुए हमने जो टैंकर 2 लगाया है, उससे हम जितना हो सकता है, सफिशिएंट टू नहीं है, बट देन टू सम एक्सटेंट हम उसको पब्लिक का जो प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी। सर आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि काफ़ी बार पॉलिटिशियंस कह सकते हैं या MLA काफ़ी एश्योरेंस देते हैं, और सर आपने ऑलरेडी कह दिया कि जो ये प्रोजेक्ट है उसका ऑलरेडी 2 to 3 months डिले चल ही रहा है, तो सर आप मैक्योर करेंगे कि इस साल को छोड़कर आने वाले साल जब इसी समय में देखने को मिलता है कि स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, काफ़ी पानी का प्रॉब्लम रहता है, तो आने वाले साल में एटलीस्ट जो आपके एरिया जो म्याऊ टाउन में पानी का मतलब शॉर्टेज नहीं रहेगा सर? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एंड ऑफ दिस 22 वाटर क्राइसिस सॉल्व हो जाना चाहिए। हमारा इस जो वाटर सोर्स है, जो ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट, इससे हम टाउनशिप को पानी तो दे पाना चाहिए, एंड बाय नेक्स्ट ईयर जैसे आपने कहा है कि दैट इज़ 23, बाय दिस टाइम आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम।